नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद बिहार न्यूज। आजाद बिहार न्यूज से मिट्ठू की खास रिपोर्ट। सीतामढ़ी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बेलसन प्रखंड के डुमरा नुनौरा पंचायत के दरियापुर गांव निवासी दिलशान अहमद को बेलसन थाना की टीम के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। आपको बता दूं कि दिलशान अपने निजी कार्य से पटना जा रहा था, उसी क्रम में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 22/12/2022 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि दिलशान कहां है। दिलशान के परिजन मिसिंग केस कोर्ट से किया है। इस घटना की पुष्टि आजाद बिहार न्यूज की टीम नहीं करती है। धन्यवाद। दिलशान अहमद दरियापुर। क्या नाम है चाची आपका? साबरी में। क्या घटना हुई थी? घटना है कि हमारे बबुआ दिलशाद पटना जाने के लिए एक मोबाइल है। दिलशाद आपका लड़का है? हमारा लड़का है दिलशाद। अच्छा। हम पटना जाए के लिए तैयार हैं। वाइफ साइफ बोले है ना, वही के लिए उनका पैसा और जमा है 50,000 रुपया। एक मोबाइल है, एगो हमारा ATM है, एगो मुशरफ का। 50,000 रुपया क्यों रखे हुआ था वो अपने हाथ में? पटना जाएगा। 50,000 रुपया लेके कैश पटना क्यों जा रहा था? वो टावर कौन सी बोला थी? वाईफाई। वही वाईफाई लगाता है अपने दरवाजे पर। अच्छा, अपने दरवाजे पे लगाने पर। क्या काम करता है? काम कर रहा है एटी खानी ठेकेदारी लिए है। ये सड़क निकले वाला है ना। अच्छा। क्या उम्र होगी उसके अंदर? उनका उम्र 22 हो के 23वा है। 22 साल पूर्ण के 23वा साल चल रहा है। कब की घटना है? कब गायब हुए हैं दिलशाद? बीते के दिन होने के बाद आपने क्या किया? कोई कंप्लेन, कोई घटना का कहीं लिखे तो आवेदन? हमारे सामने पुलिस प्रशासन उठाए हैं। किसको? दिलशाद। तो आप कहते गायब हो गया जब पुलिस प्रशासन उठाया है? हाँ, पुलिस प्रशासन उठा के प्रभारी कहाँ से उठाया? पुलिस बेलसंड पछियारी रोड मस्जिद से आगे मंदिर है। कितने आदमी से उठाया? वही जान चार आदमी रहे तो 3 आदमी खड़े हैं सादा ड्रेस में। अच्छा। वर्दी में ना है। 2 मोटरसाइकिल से आए हम वही जन है। सब बहुत आदमी है। क्या बोले? कुछ बिना बोले उठा लिए उसको? तो हम जाके ये प्रभारी बोलिन दिलशाद को चाय के दुकान पर है तो हम बोलिन कि आए तुम्हारा कहाँ घर? तो बबुआ बोला दिलशाद कि दरियापुर घर है। क्या नाम है? नाम दिलशाद है। तो चलो गाड़ी पर बैठो। तो गाड़ी पर बैठेगा के बेलसन प्रभारी बोले? हाँ, बेलसन प्रभारी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तब गाड़ी पर बैठेगा बउआ। हाँ, उनके बउआ के कमर में रुमाल लगा ली। कमर में रुमाल लगा ली? कम्बल यानी कमर में? कमर में गमछा बांध। कहें कि चलो गाड़ी पर बैठो। बउआ बैठेगा, हाँ तो मोबाइल ऐसे रख देखे ना, ऐसे मोबाइल है। पैसा भी उसके पास में था? हाँ, पैसा पास में है। आप इसी में जाके थाना में तब उनका पैसा दे। थाना में पैसा दे दिया आपको? हमको कहाँ दी, हमरे का पता? हमको कहाँ दी? हम तो उनके गाड़ी आगे आगे पीछे पीछे रोते रोते दौड़ी। हमको कहाँ दी, हमरे का पता? इससे दुश्मनी भी है आपका? दुश्मनी तो आती ही जाती है। किससे दुश्मनी था? दुश्मनी के नाम कौन सी दुश्मनी? तो एक लौटा बउआ पर पेन हो के चला तो अगला दुश्मनी है। अच्छा, इसे पहले थाना पर गए हैं वो अगर तो हम लेके भाग गए। वो अगर तो हम रोह करके घर चले गए। ध्यान है इतने टाइम में हम पहुँचे। तो कहें कि सर दिलशाद कहाँ है? कौन दिलशाद? कहाँ का दिलशाद? तो दरियापुर का दिलशाद जो हमारा बेटा है उनके सामने उठा के लाए थे। दिलशाद कहाँ? तुम्हारा दिलशाद है, तुम जानो कि कहाँ है तुम्हारा दिलशाद? कौन बोला आपको? प्रभारी साहब बोले, बड़ा भाई। 2 कुर्सी पर दोनों बैठे हैं। उसके बाद क्या किया? जब वो कहे जो नहीं जानते हैं तो? हम नहीं जानते हैं तो नहीं सर, आप फिर नहीं खा के ना आए। जब बोलेगी चलो भागो, जाओ उधर, जाओ जाओ उधर जाओ। हम 3 आदमी है, हमारे साथ एक आदमी है, वो दूसरा लड़का रिश्तेदार का रहा छोटा के सामने अपने घर। तो वो के सामने और जनाब जब वहाँ से आपको भेज दिया गया तो उसके बाद क्या किया? हम चले गए
कहाँ गए? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी कहाँ गए? सीतामढ़ी वकील के पास गए। वकील साहब क्या बताया आपको? उन बताएं कि आवेदन दो, आवेदन का अभी ले कोई जवाब नहीं, हमने से घर में हक्कर पेरे हैं, कोई जवाब नहीं आवेदन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरफात। जब ये घटना घटी थी आप कहाँ थे? हम साथ में ही बैठे हुए थे दोनों आदमी। क्या हुआ, प्रशासन आया तो कुछ बोला क्या? प्रशासन आया सर तो पूछा घर कहाँ है। अच्छा, वहाँ पर काफी आदमी था, किसी से नहीं पूछा, डायरेक्ट दिलशाद भाई से ही पूछा कि उसका घर कहाँ है। जानता नहीं था मगर नाम से जानता था वो। अच्छा, तो आया, नाम पूछा तो नाम बताया, पहले घर पूछा तो घर बोला दरियापुर, उसके बाद पूछा नाम कहाँ तो बोला नाम दिलशाद। जैसे दिलशाद नाम बोला उसके बाद उसका पूरा तलाशी लिया, उसके बाद तलाशी में क्या निकला? तलाशी में कुछ नहीं निकला, उसके जेब में एक मोबाइल था, मोबाइल हाथ में था। अच्छा, एक मोबाइल हाथ में था, दो एटीएम था, एक अम्मी का एटीएम था, एक उसके अप्पी का नंबर था। अच्छा, 50,000 रुपया था, टावर के काम से जा रहा था पटना। उसके बाद तलाशी किया तो जेब में कुछ नहीं निकाला, उसके बाद पैसा वैसा कुछ वहाँ पर नहीं निकाला वो। अच्छा, सिर्फ तलाशी किया, कोई सामान वामान तो नहीं है, तो कुछ नहीं था उसके पास। उसके बाद उसका कमर बांध के गमछा से 20 पर बैठा के गाड़ी पर, उसके बाद उसको थाना में लेकर आया बेरसन, फिर 10 मिनट बैठा के वाइट जीप जो थाना के अंदर है अभी भी कल भी देखे उसको, बैठा के उसमें लेके चला गया। उसके बाद फिर हम घर पर चले।